थॉरिटी मिलेगा उसको इकोनॉमिक पावर मिलेगा अनटिल अंटिल देर रिमेनिंग एज लोअर कास्ट दे विल बी फ्रॉम ऑल पिलर ऑफ पावर इसीलिए इमिटेट कर करके तीन चार जनरेशन लगा के दे ट्राई टू बिकम है इस सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता था टू इमिटेट द कभी कभी बहुत ज्यादा पर रेफरेंस मिलेगा सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यू कैन सी हेयर व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो तो मतलब पॉलिटिकल स्टेटस देखने इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल और पावर स्ट्रक्चर इंडिया में पावर स्ट्रक्चर कैसा है नहीं नहीं सभी चीज की वजह से इकोनॉमिकली देखो इकोनॉमिकली देर लैंड ओनिंग कास्ट हायर कास्ट देआर जमींदार कास्ट इकोनॉमिक्लाउड जो सुधरा जो है दे कल्टिवेट ऑन टू थ्री दे ओन दिसमैनशिप जैसे की कार्पेंट्री होगी आयरन स्मिथ हो गया गोल्ड स्मिथ हो गई इनमें स्पेशलाइजेशन है सी दीज आर स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन बट दीज आर नॉट लुकेटिव ऑक्युपेशन बिकॉज ऑफ दे आर रिचुअल हायर रिचुअल स्टेटस दे हैस टू रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी तो उनके पास देखो रिचुअल पावर है इकोनॉमिक पावर है पोलिटिकल पावर है लोअर कास्ट के पास कुछ भी नहीं है बिकॉज देर लोअर कास्ट संस्कृता फॉर लोअर कास्ट टू बिकम हायर कास्ट

ठीक है सो दिस सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर संस्कृताइजेशन सो दिस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एज द कॉन्सेप्ट वॉज गिवेन बाई एम एन श्रीनिवास वेल ही कुर्ग इट इज अ प्लेस नियर बाई माइसूर

आजकल तो ब्राह्मीण से भी ऊपर उप, पहुंच गए लिंगायत अपने आप को एक अलग से धर्म सेक्ट मानते ये न बीजेपी की जो फॉर्मर सीएम करप्ट सीएम जो है लिंगायत का ही तो है कर्नाटक की जो नॉर्दर्न कर्नाटक दैट इज डोमिनेटेड बाय लिंगायत, सदर्न कर्नाटक जो है दैट इज डोमिनेटेड बाय वक्कली वक्का जो देवी को गौरा जितने लोग गौरा सारे वक्कली का कम्युनिटी में आते हैं एंड दे आर डोमिनेंट कास्ट और इनके जो बॉस है देवीघोर नियंता देवीघोर का एच डी देवीघोर स्लीपिंग प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब तुमको तो छोटा था वो ना हमेशा सोता रहता था पार्लियामेंट में आके सो जाएगा कहीं विदेश में गया वहां सो जाता है और था अच्छा से तो उसके दिन पूछा रिपोर्टर ने भाई सोते क्यों आप सर इतना बोला मैं घर में बहुत काम करता हूँ <laughs> इसलिए आके सो जाता हूँ पार्लियामेंट <laughs> सोने का थोड़ी ना <laughs> एकदम खड़ाटे मार के सोता था आवाज भी सुनता था वक्का लिखा हाउएवर व्हेन एम एन श्रीनिवास स्टडीड अदर सोसाइटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया He observed that not only Brahmins are imitated, other higher caste like Kshatriyas and Vaishyas, they are also imitated. Then he changed the term from Brahminization to Sanskritization. Why Sanskritization? Because higher caste of Hindu societies, they have Sanskritic ways of life. संस्कृतिक वेज ऑफ लाइफ साफ सुथरा रहना वेजिटेरियन खाना खाना दारू नहीं पीना यूजुअली ही उनकी लाइफ स्टाइल डेट्स आई ही कॉल्ड द प्रोसेस संस्कृताइज़ेशन, बट इनिशियली ही कॉल्ड द ही टर्म द प्रोसेस ब्राह्मिनाइजेशन समझी साजी है क्यों संस्कृताइजेशन कहा गया Because all higher castes have Sanskritic ways of life. As lower castes are imitating that ways of life, that's why this process is termed Sanskritization. And Sanskritization is not only practiced among Hindus, it is also practiced by tribes, it is also practiced among non Hindus, like Muslims, Sikhs.

It is a collective process. The whole group participates in the process of sanskritization. See, when a caste is undergoing sanskritization, majority of the members will practice sanskritization, imitate the lifestyles of higher caste. If someone is not practicing sanskritization, he can be punished by the caste panchayat. ज एवरी कास्ट है पंचायत एंड दट पंचायत इज इम्पोर्ट टू मेक एनी डिस रिगार्डिंग द कास्ट रिगार्डिंग में कास्ट सो देर कास्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस सो इट इज ए ग्रुप एफ ए है नॉट इंडिविजुअल एफ एसा नहीं दो चार इंडिविजुअल कर रहे हैं थर्डली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है दो चार दिन कर लिया और हफ्ते बाद बन गया हायर कास्ट इट टेक्स थ्री फोर जेनरेशन एंड देन दे मे बी एबल टू एलिवेट देर स्टेटस इट इज नॉट नेसेसरीव संस्कृताइज सो यूर पोजिशन विल बी एलिटेड

पता है जातब की बोलता है जातब जातब कर्स्ट माय बात जो है सीज़ बिलोंग्स टू चमार कम्युनिटी बट जातब कम्युनिटी दे हैव सांस्कृतिकाइज्ड बट फेल्ड एंड डोज़ चमार्स हैव नॉट सांस्कृतिकाइज्ड दे सिंपली कॉल चमार तो जातब विल नॉट एक्सेप्ट फूड वाटर फ्रॉम चमार

those are economically quite prosperous they can afford Sanskritaijishan. गरीब काश nahi kar sakte Secondly, when there is economic development, you know there will be change in self image. Hindi mein अगर जेब में पैसा है ना तो बहुत कुछ करने की इच्छा करता है. The similarly, when they improve their economic conditions, they bring about चेंज इन दर सेल्फी में जो हमारे पास पैसा है बट वी आर ट्रीटेड लोली इन द सोसाइटी सो कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ हायर कास्ट थर्डली इफ हायर कास्ट इज नॉट अपोज टू योर प्रैक्टिस देन यू कैन गो फॉर संस्कृताइजेशन इफ दे आर अपोज टू योर प्रैक्टिस ऑफ संस्कृताइजेशन then, you cannot go for Sanskritization. Give three conditions hai, then a caste can go for Sanskritization and in the course of time they can elevate their social status. I can give three case studies in this regard. First, case study of Visi Para in Orisha. सीपरा इज ए स्मॉल विलेज अब तो एक टाउन है इन द स्टेट उड़ीसा इन दिस दिसेज दो कास्ट दे देर गिवेन लाइसेंस फॉर प्रिपेयरिंग लिकर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्योंकि कुछ कास्ट है जिसका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है लिकर मेकिंग दारू बनाना एंड देर लोअर कास्ट सुधरा होते हैं क्योंकि ऑक्युपेशन पी के फिल्दी काम करता है लेकिन लिकर इज नॉट लीकर ठीक है सो बिकॉज ऑफ लिकर मेकिंग दिस कास्ट बिकेम इकोनॉमिकली वेरी प्रॉस्परस क्योंकि लीकर मेकिंग इज ए लुकेटिव ऑक्युपेशन

<laughs> <laughs> तब वो क्या करेगा भाई इज्जत पाने के लिए कुछ करो दे गो फॉर संस्कृताइेशन सो नोनिया कास्ट वेंट फॉर संस्कृताइेशन ऑन द मॉडल ऑफ लोकल छत्री एंड दे आर नॉट अपोज बाय लोकल हायर कास्ट एंड टुडे दे आर ट्रीटेड विथ लोकल छत्री जो नोनिया कास्ट इन यूपी क्षत्रियर इनकेस ऑफ चमार यू है प्रोसेस ऑफ संस्क्रिताइजेशन बाई चमारे देवेट देर सोशल स्टेटस इवन दे कुछ संस्कृत क्योंकि अगर आपको मालूम है मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा

मैक्सिमम नहीं कोई नहीं नहीं जा सकते दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रॉस द बैरियर ऑफ शूद्र अनटचेबली रह गया एंड दैट इज मेनली ड्यू टू देयर एंगेजमेंट इन फील्ड ऑक्युपेशन सी अनलेस एंड अंटिल दे आर गिविंग अप दिस

what about the status of estes STs, in many parts of india they are surrounded by hindu communities they like in central part of india STs are surrounded by Hindu communities. So they have been influenced by many practices of Hinduism. So many STs have been imitating the lifestyles of Hindus. And by following the lifestyles of Hindus, they have been able to join Hinduism. So for STs, it is quite successful.

when they are going for sanskritization they are quite successful in SCs, can be successful nahi what about the status of obcs see whenever obcs have tried to imitate the lifestyles of higher caste or they have undergone the process of sanskritization they have been successfully entered into level of higher caste because sudras

they are influenced by the practice of hinduism. so they do not have caste system, but they practice like caste system. make a distinction. they don't have caste system. islam is based on equality. they do not practice inequality. but indian muslims, they practice inequality. and they have a caste-like structure. जो इस्लाम में चार हायर कास्ट है यह सॉरी सईद शेख मुगल पठन इनके बाद जितने कास्ट आते जितने मुस्लिम्स होते हैं दे ऑल आर लोअर कास्ट मुस्लिम इज ए कम्युनिटी इन इंडिया व्हिच कंप्लीटली लैक्स मिडिल क्लास इसमें मिडिल क्लास होते ही नहीं है इधर हायर कास्ट क्लास With the lower class. And all the lower class Muslims have been converted into Islam from the lower caste of Hinduism. See, they were converted into Islam in the hope of getting equal treatment. Because in Hinduism they were untouchable caste, they were Sudra caste. That's why they had to suffer from stigma of untouchability so in the hope of getting equal treatment, they have changed their religion and adopted islam because it is a religion of equality. but unfortunately, they have not been treated equally in islam. even in up bihar, there are many mosques where lower class muslims are not allowed to enter and pray there.